हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन भरना सीखेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई गलती नहीं करेंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वीडियो में हम फ्रेश फॉर्म भरना सीखेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी कोर्सेज में हैं या फिर अगर आप 9-10 या फिर 11-12 में हैं, अगर आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं किसी भी कोर्सेज में या फिर प्री मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में, अगर आप किसी भी कोर्सेज में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो वो फॉर्म फ्रेश फॉर्म कहलाता है। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर चले आना है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको फ्रेश लॉगिन पे जाकर के और अपना पूरा डाटा आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो पहला ऑप्शन होता है प्री मैट्रिक यानी कि 9-10 के लिए, दूसरा ऑप्शन होता है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि 11-12 के लिए, तीसरा ऑप्शन होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 11-12 और 9-10 को छोड़ करके इसके ऊपर के जितने कोर्सेज होते हैं UGPG यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा उनके लिए होता है, और ये पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के फ्रेश बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में इसी प्रकार से ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा अगर आप मेजोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं और उसमें आप SC ST और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वाले सेक्शन से आपको अप्लाई करना है। अगर आप हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वाले सेक्शन से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तथा पारसी के कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इस वाले सेक्शन से अप्लाई करना है। यहाँ पे 9-10 के लिए, यहाँ पे 11-12 के लिए, यहाँ पे 9-11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर जो भी कोर्सेज करते हैं तो यहाँ से अप्लाई आपको करना होता है। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके कह लिए कि माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं और प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको जो भी आपका लिंक होगा, जो भी आपका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार से आपको चूज करना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पर आपको ऊपर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ आपको सही भरनी है और इसके अलावा जो भी भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। और यहाँ पर देखिए जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे, मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल तो पहला अक्षर आप कैपिटल रखेंगे, फिर आप स्मॉल रख लीजिए कुछ, उसके बाद से आप यहाँ पे 212-542 जो भी आप आगे लगाना चाहें, उसके बाद से एक @ या फिर एक #, कोई एक आपको स्पेशल करेक्टर भी इसमें लगाना होता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा पहला लेटर कैपिटल रख दीजिए, फिर स्मॉल रख के फिर आपको 512-111-00 जो भी आपको लगाना वो लगा लीजिए, और फिर आपको एक स्पेशल करेक्टर बीच में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ये आपको इस तरीके से स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना जिला सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें आएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान से, ये आपका ऑटोमेटिकली फिर से रीडायरेक्ट होगा। उसके बाद से आपके शिक्षण संस्थान का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका फिर से ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपके शिक्षण संस्थान का नाम आ जाएगा, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका कैपिटल वाइज ये सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे इनका S से है तो नीचे होगा। ठीक है, आपका जो भी नाम से पहला अच्छा जो भी होगा उस हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ आप देखिए इनके कॉलेज का नाम दिख रहा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको वर्ग जाति समूह, तो यहाँ पे आएंगे आप तो अल्पसंख्यक वर्ग वाले में है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी आप जैसे अगर मान लीजिए आप मेजोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे हिंदू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका अल्पसंख्यक वर्ग का ऑप्शन आ रहा है यानी कि मुस्लिम वर्ग के हैं। फिर आपको यहाँ पे धर्म सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध जैन तथा पारसियन, तो जो भी आपका होगा कास्ट तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, धर्म सिलेक्ट करना है। फिर छात्र छात्रा का नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। फिर मोबाइल नंबर भरना है, जो भी मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे वो आगे चल के आपका यूजफुल रहेगा, कहिए कि वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही वाला आप भरेंगे। ठीक है, आधार से लिंक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मैंने ऊपर बता दिया। फिर पासवर्ड को कन्फर्म करना है, इसी पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर यहाँ पर जनरेट OTP का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आपका QR आपको प्रोसीड करके दिखाता हूँ। अब सारी चीज़ें भर के यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर भरा होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है। फिर ये कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोनों चीज़ें फिलअप हो गई हैं, सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे इस पासवर्ड को आपको सेव भी कर लेना है। ठीक है, और जो पहले होता था आपका कल ये डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन होता था, लेकिन इस बार आपका मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन होता है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे कल ये प्रिंट भी कर लेना है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन से आपको प्रिंट भी कर लेना है। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ,
फिर आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंट करने का प्रोसेस काफ़ी आसान होता है, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, ये आपके फाइल में चला जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेव का नीचे दिख रहा होगा, इसको आपको सेव कर लेना होता है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा होम का, इस वाले होम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए इसके बाद से आपको फिर से बैक आ जाना है और स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेश लॉगिन करना है। जिस भी आप के लिए कर रहे होंगे, अगर 9-10 के लिए कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, 11-12 के लिए तो इंटरमीडिएट, और 9-10 11-12 को छोड़कर आप किसी भी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो तीसरे वाला ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं जो जिस भी कैटेगरी के लिए कर रहा हूँ वो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिलअप करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर से आपको थोड़ा सा आवाज़ वगैरह क्लियर दूसरे तरीके से आ रही होगी, क्योंकि जो आपका डिजी लॉकर का ऑप्शन है वहाँ पे हो सकता है आपका जो मोबाइल फ़ोन से अगर आप कर रहे होंगे तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको सिस्टम से करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे कराना चाहते होंगे या फिर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अच्छे तरीके से भरवाना चाहते होंगे वो हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं, कम चार्ज में आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा और आपका जो भी डाटा होता है वो सेंड कर दिया जाएगा, आपको निकलवा करके हार्ड कॉपी और कॉलेज में सबमिट कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और यहाँ पर जो भी पासवर्ड था वो भरना है, सारी चीज़ें भर के चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करके फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका फ्रेश लॉगिन है वो आपका कहिए कि ओपन हो गया है। अब आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है, यहाँ पहले पे रजिस्ट्रेशन, दूसरे पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें और तीसरे पे डिजी लॉकर से सत्यापन करें। ये जो आपका कहिए नया ऑप्शन इस बार आया है, पहले ये ऑप्शन नहीं रहता था डिजी लॉकर वाला, और फिर से यहाँ पे आपके सारी चीज़ें NPCI सत्यापन करें। इस बार कई स्टेप अलग अलग तरीके से नए तरीके से आए हैं, तो सबसे पहले 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, सभी स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, तीसरा वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट नहीं है, एक एक करके हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें तो ये किस तरीके से सत्यापन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, कभी कभी यहाँ पे से नहीं भी होता है, इधर आती है तो आपको रिफ्रेश कर देना है, फिर से यहाँ से हो जाएगा। आपको प्री मैट्रिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा और ये कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप करना है और फिर आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना होता है और फिर जनरेट OTP, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका OTP चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए प्लीज इंटर OTP और यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप कर देना है, OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे गया होगा, ठीक है, जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप कर देना है, फिर से आपको यहाँ पे आपको टिक कर देना है, फिर सबमिट OTP का ऑप्शन जो दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको क्या कर देना होता है, ओके कर देना होता है। अब जैसे इस पे ओके करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना होता है। यहाँ पे देखिए अगर पहले से आपने अकाउंट वगैरह बनाया होगा तो मोबाइल नंबर की सहायता से या फिर आधार यूजर नेम की सहायता से आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट वगैरह नहीं बनाया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं बनाए होते हैं, तो यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डू यू हैव मतलब आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें फिलअप हो गई, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर से यहाँ देखिए वेरीफाई आधार OTP, आपके आधार कार्ड पे OTP क्या होगा, आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। अब देखिए OTP फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपके पास यहाँ देखिए सेट योर सिक्योरिटी पिन, यानी कि सारी चीज़ें सही हो गई है। अब आपको एक सिक्योरिटी पिन बना लेना है कि आप कभी भी लॉगिन करना चाहें, जैसे कि आप अपना आधार नंबर आप डिजी लॉकर में जाएंगे फिलअप करेंगे और उसके बाद से आप अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे, एक तरीके से ये सिक्योरिटी पिन यानी कि पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, उसके बाद से डन पे क्लिक कर देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर लेना है जो भी आपको पासवर्ड रखना है, फिर आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होगा, आप पासवर्ड इसके पासवर्ड को भी चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका पूरा डाटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, काफ़ी सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको ये अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया है डिजी लॉकर पे तो आपको डायरेक्टली आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है, अगर आपने यूजर आईडी मतलब अपना आधार नंबर वगैरह
और अगर आपने नहीं किया है तो साइनअप जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरें, इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ से आपका करियर के मेन काम स्टार्ट होता है, कैसे आपको आगे का जो डाटा होता है वो फिलअप करना होता है, ये आपका करियर की यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है इसी में आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इसमें आपको सही से सारी चीज़ें फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ आपको सही से भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। और ये आपको जो स्टार दिख रहा होगा वो आपका कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले पंजीकरण विवरण दिख जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आपको पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत विवरण दिख जाएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें फिलअप करना होता है। तो सबसे तो पहले आपको अपने विगत स्कूल का नाम भरना होता है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, जो भी जैसे कि मान लीजिए कि आप कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 में आप कहाँ पढ़ते थे, अगर सेम स्कूल में पढ़ते थे जिसमें अभी पढ़ रहे हैं तो वही आपको भर देना है, अगर दूसरे स्कूल में पढ़ते थे तो उसका नाम भर देना है। फिर गत वर्ष का परीक्षा फल आप पास थे या फिर फेल थे, चलिए मैं एक एक आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा गत वर्ष का परीक्षा फल आप पास थे या फिर फेल थे, अगर आप फेल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, केवल आप पास होंगे या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स होंगे, यानी कि अगर आपकी बैक वगैरह किसी सब्जेक्ट में लग गई है, आप प्रमोट हो गए हैं, प्रमोटेड विथ मार्क्स होगा तो वो कर लेना, अगर आप पास होंगे नॉर्मली तो आपको पास पे क्लिक करना है। पूर्णांक कितना था, आपने कितने में कितना पाया था, जैसे कि इनका है 1200 में और इन्होंने पाया था 771, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, जिस भी आप जैसे मान लीजिए आपका 11 के लिए भर रहे हैं तो 10 में आपका कितना था, टोटल कितने में कितना पाया था वो भरना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, ये अभी फिलहाल में कक्षा 10th में है, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने 9th में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, अगर 9th में फिलअप किया होता और 10th में केवल रिन्यूअल करना होता, अगर आपने मान लीजिए कि 9th में फिलअप कर दिया था या फिर कल ये 11th में फिलअप कर दिया था तो आपको 12th में और 10th में केवल रिन्यूअल करना होता है। लेकिन अगर आपने नहीं फिलअप किया है किसी भी ईयर में तो आपको फ्रेश फॉर्म ही भरना होता है। तो इसी प्रकार से आपका 9th का भी भराएगा, इसी प्रकार से अगर आपका 9 का भराएगा तो इसमें आपका 8 का डाटा रहेगा, 8 का आपका रिजल्ट का डाटा रहेगा और आपके कॉलेज का नाम 8 में आप कहाँ पढ़ सकते वो रहेगा आपका, जिस भी के लिए जिस भी क्लास के लिए आप कर रहे हैं, जिस भी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं, विगत वर्ष का ही रहता है इसमें, ठीक है। कक्षा में प्रवेश तिथि कब किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है तो वो डेट आपको फिलअप कर लेना होता है, जिस भी डेट में आपका एडमिशन हुआ होता है वो आपको फिलअप करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, अगर आपको बोर्ड का नंबर मिल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। अब जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर आप कक्षा 9 में होंगे अभी फिलहाल में तो आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिला हो, या फिर कक्षा 11 में होंगे तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज में बात करेंगे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका बोर्ड होगा यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर ये आपका कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक है ये आपका मैंडेटरी है, जिस भी डेट में आपका इश्यू हुआ होगा टीसी सर्टिफिकेट वहाँ ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड, ईमेल आईडी, ये आपको ईमेल आईडी भी, ये सारी चीज़ें आपकी कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है, ठीक है, आपके पास होगा तो अवेलेबल होगा तो। फिर यहाँ पे माता का नाम दिया हुआ है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, लिख देना है यहाँ पे। फिर कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है, यहाँ पे तो आपका विगत वर्ष का मांगा गया है, जैसे कि ये 10 के लिए कर रहे हैं तो 9 का मांगा गया है, या फिर अगर आप 9 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 का मांगा जाएगा, फिर से वहीं आपका यहाँ पे अलग से भी सेक्शन दिया हुआ है 8 का, आपको कक्षा 8 आपने कब पास किया था वो आपको वर्ष सिलेक्ट कर लेना होता है। और फिर आपको यहाँ पे जैसे कि जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से आपने पास किया तो वो सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ये आपका बैंक का विवरण होता है, नीचे उसके बाद से बैंकिंग का विवरण होता है, तो इसमें आपका बैंकिंग डिटेल्स जो भी आपका बैंक होगा, और चूंकि जिस स्टूडेंट्स का मैं कर रहा हूँ अभी इनके बैंक में थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, इनका अभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाया है, तो अभी मैंने आपको नॉर्मल सा आगे का पीछे का प्रोसेस बता दिया डिजी लॉकर वाला और ये सारी चीज़ें, ये बेसिक डिटेल्स इसमें यही रहेंगे। और नीचे मैं आपको दिखा दूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अन्य विवरण में एक और ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, मतलब किसी और छात्रवृत्ति में आपने आवेदन किया है, नो कर देंगे तो इस वाले ऑप्शन से आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए अगर आपके किसी माता पिता में कोई आपके सैनिक बल राज्य पुलिस अथवा बल पुलिस उत्तर प्रदेश में सेवारत्न है या फिर कोई नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो इसमें आपको नो कर देना है। अगर आपके अंदर आपके घर में कोई आपकी अभिभावक या फिर भारतीय सेना में नहीं है या फिर अर्धसैनिक बल या फिर राज्य पुलिस बल में नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना होता है, तो नो करेंगे तो यहाँ पे आपके आगे की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए 23वें ऑप्शन में विकलांगता का प्रकार, अगर आपके अंदर कोई विकलांगता है तो यहाँ पे आपको देख के आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ से आपको इसको टच नहीं करना, इसको आपको
कर लीजिएगा, टच नहीं करना है। फिर सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके फिर यहाँ पे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन एक दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको ये टिक कर देना होता है, ठीक है। तो चूँकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा फुल प्रोसेस बता दूंगा, अभी इनके बैंक अकाउंट ओपन होने में हो सकता है एक दो दिन का डिले है, तो वो सारे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, अभी किसी स्टूडेंट का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स कर लिए कि अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कराना चाहते होंगे, हमसे ऑनलाइन कराना चाहते होंगे, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास पूरी डिटेल्स होंगी तभी करेंगे, और बेवजह चूँकि आप मैसेज करेंगे तो अब कई हज़ारों की संख्या में बच्चे मैसेज करते हैं, तो आप रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। आपका पूरा डाटा होगा तो आपको भेज देना है, कम चार्ज में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को ऑनलाइन करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।